भाई और बहनों, इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। यही कारण है कि भोजपुर सहित पूरे बिहार में लंबे समय तक बिजली, सड़क, पानी जैसी मूल सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। हालत ये थी कि कैमूर में जिस दुर्गावती सिंचाई परियोजना का शिलान्यास, आप याद रखिए ये सारी बातें, कैमूर में जिस दुर्गावती सिंचाई परियोजना का शिलान्यास बाबू जगजीवन राम जी ने 70 के दशक में किया था, 70 के दशक में, वो इतने वर्षों में भी पूरी नहीं हुई थी। इस काम को एनडीए सरकार ही पूरा कर रही है। साथियों, बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया, तो ये बौखला गए। जो बात मैं बता रहा हूं इसको जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो ये लोग बौखला गए। उनके अंदर एक गुस्सा आया, जहर भर गया। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। और मुझे याद है, मैं भी गुजरात का मुख्यमंत्री था, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और जब हम भारत सरकार की मीटिंगों में जाया करते थे, नीतीश जी बार बार उनको कहते थे कि आप बिहार के काम में रोड़े मत अटकाइए, बिहार के राजनीति का अखाड़ा दिल्ली को मत बनाइए। लेकिन 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। बाद में 18 महीने क्या हुआ ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। इन 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या किया, कैसे कैसे खेल किए, कौन सी बातें अखबारों में छाई रहती थी, कौन सी बातें टीवी वालों को भाती थी, ये बातें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिहार और देश के लोगों से छिपा नहीं है। जब नीतीश जी इस खेल को भांप गए, ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा, तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए
हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। साथियों, 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है, बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है।